आज मैं एक होम थिएटर बना के दिखाऊंगा। तो उसके लिए जो सामान चाहिए, पहले तो एक ट्रांसफार्मर चाहिए जो कि 12.0 टू एम्पियर का ही है। होम थिएटर किट जो कि ये 2.1 ये 2030 का IC वाला होम थिएटर किट है, जो कि देखने में इस तरह सा। दो सैटेलाइट स्पीकर चाहिए जो 3 इंच का होता है, 3 इंच का ऊपर जो ऊपर वाला स्पीकर होता है वो सब ऊपर। इसमें 25 वाट लिखा है लेकिन ये होता नहीं है, 10 वाट का होता है। एक चाहिए 4 इंच का सब ऊपर वाला जो स्पीकर होता है, 4 इंच का ये स्वीटन का मैंने लिया, जिसमें जो बीट आएगा, जिसमें से बहुत ही अच्छा बीट मिलता है इसमें से, ये स्वीटन का है। और चाहिए जो पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, ये 3 पिन वाला भी ले सकते हो, एक 6 पिन वाला चाहिए और एक 3 पिन वाला भी ले सकते हो। और ये जो आउटपुट इनपुट वाला जो इसमें जो जैक लगता है, कॉर्ड लगता है, यही कनेक्टर, इसको हम कनेक्टिंग करेंगे। इसको बनाएंगे हमें कार्डबोर्ड के एक बॉक्स, कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे उसमें सेट करेंगे इसको। इसके साथ चाहिए और 2-3 कलर वाला वायर चाहिए, सोल्डिंग आयरन, शोल्डर, इससे काम चल जाएगा। एक धमाकेदार बहुत ही बढ़िया होम थिएटर बनने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे बनते हैं घर बैठे कम खर्चा में, अच्छा आवाज़ मिलेगा इसमें से, घर बैठे कैसे इसको बना सकते हैं। मैंने जो ये सामान खरीदा ये शॉप से खरीदा है ऑफलाइन में, ये जो ट्रांसफार्मर, इसमें 12.0 और 0.12 दो कनेक्शन मिलेगा, ये 2 एम्पियर का ही है, 200 रुपये में मिल गया। ये जो किट है ये मुझे 195 के करीब मिल गया। ये जो एक एक स्पीकर है 65 रुपीस में मिल गया, 65 में एक, और ये जो बड़ा वाला ऑफर है 4 इंच का ये 150 रुपये में मिल गया। ये 10 रुपया ऐसे मिल जाता है, ये भी 10-15 रुपये में मिल जाता है। पूरा टोटल कैसे कहाँ से कहाँ कनेक्शन करना है डिटेल्स में दिखाएंगे, वीडियो पे बने रहिए, पूरा देखें शुरू से लेके लास्ट तक देखें। ये है पंखा का एक बॉक्स, इसको हम लेंगे, जो होम थिएटर का बॉक्स होता है अंदर का जिसमें हुपर लगा हुआ रहता है, उसको हम बनाएंगे इसमें से। पहले इसको निकाल के बाहर कर देते हैं, फिर इसको इधर से खोलेंगे पिन को, पिन को खोल के उल्टा कर देंगे पूरा। ये जो साइड है बाहर की तरफ आएगा, जैसे कि ये सफ़ेद वाला साइज बाहर की तरफ है, इसको हम बाहर की तरफ लेके आएंगे, यहाँ से खोलेंगे पहले, इसको उल्टा करके मोड़ के बॉक्स को सेटिंग करेंगे। ये छोटा वाला जो 3 इंच स्पीकर है, इसको मैं एक बॉक्स बनाया कार्डबोर्ड का, इसमें लगाया, फिर इसका एक ढक्कन बनाया पीछे का, इसको हम पीछे से ढक देंगे। उससे पहले जो वायर है, यहाँ पर दाहिना साइड में प्लस होता है, बायां साइड में हमेशा माइनस होता है, इसको सोल्डरिंग करके यहाँ से तार को निकाल लेंगे। इधर एक सेध लगाएंगे पीछे की तरफ, इस तरह से सेध करके एक लंबा वायर यहाँ से सोल्डरिंग करके यहाँ से निकल के रख देंगे। इस तरह से मैं दो बनाया, फिर ये जो ऊपर है इसका भी यहाँ पर सोल्डरिंग करके इसका वायर निकालेंगे। माइनस वाला ये हरा वाला माइनस को लगाएंगे, पीला वाला प्लस को जोड़ेंगे। मैंने इसको जोड़ दिया, अब इसको इसके बॉक्स में सेट करेंगे। मैंने जो पंखे का जो बॉक्स लिया था उल्टा करके इसको सेट किया, ये बाहर वाला अंदर चला गया। बीच में एक पट्टा रखा, दूसरा कार्डबोर्ड लगाया, यहाँ पर हमारा जो ऊपर स्पीकर है ऊपर यहाँ पर लगेगा। ये जो होल है इधर से लेके सामने की तरफ ये वाला, यहाँ से एक पाइप को सेट करेंगे, यहाँ पर दो वॉल्यूम को सेट करेंगे, और यहाँ पर जो ये हमारा ये ऊपर स्पीकर है इसको हम इस तरह से डालेंगे, इस तरह से। यहाँ पर हम
स्क्रू डाल के इसको टाइट कर देंगे। अब हम इस बोर्ड का वायरिंग करेंगे। इसके लिए ये तार चाहिए, अगर तार अवेलेबल नहीं है तो एक और उपाय है, ये जो जिसका घर में जो पुराना वाला चार्जर रहता है ख़राब वाला, इसको हम काट लेते हैं इधर से, ये ऐसे कट कर देते। अब देखते इसके अंदर कितना वायर है। इसके अंदर दो है, लेकिन ये बहुत ही मजबूत है, ये जो वायर है बहुत ही मजबूत वायर होता है। इसमें दो है। एक बार मैंने एक माउस का लिया, माउस का एक वायर को काट लिया मैंने, ये वाला माउस, इससे यहाँ से काट लिया। इसके अंदर चार वायर है, इसमें से हम तीन यूज़ करेंगे, कोई भी तीन, ये तीन को यूज़ करेंगे। इसको हम हटा देते हैं। पहले तो हम इधर जो बेस का है, बेस इसको कनेक्ट करेंगे। इसके लिए थोड़ा तार चाहिए लंबा, बस इतना ही रखेंगे। हमें यहाँ से काट देते हैं, सिल्के को निकाल देते हैं। इधर से भी हरा वाला को आउट कर देंगे। इसमें एक पोटेंशियोमीटर ऐड होगा, जो 3 पिन वाला पोटेंशियोमीटर है। एक रखेंगे जो सफ़ेद वाला रखेंगे बीच में, लाल वाला रेड वाला एक साइड में, ब्लैक वाला एक साइड में। इधर भी जब हम जोड़ेंगे सेम उसी तरीका, बीच में रहेगा सफ़ेद, लाल वाला एक साइड में और ये ब्लैक वाला दूसरा साइड में। इस तरह से शोल्डिंग करेंगे। इस तरह भी ये जो 3 पिन है, बेस लिखा हुआ है, ये जो 3 पिन है, इस तरह से इधर हम डाल देंगे। ये 3 पिन है, 1, 2, 3 बीच में डालेंगे सफ़ेद को। इधर से भी डाल सकते हो, इधर से डालते हैं हमें। यह बेस कंट्रोलर, इसको कनेक्ट कर दिया। आप एक वॉल्यूम को डालेंगे, वॉल्यूम इसमें एक साइड में एक दाया तरफ, ये जो वॉल्यूम का नॉब है इसको ऊपर रख के दाया तरफ ये दोनों को शॉर्ट कर देंगे। इसको बनाएंगे ग्राउंड इस तरह से, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। ये जो 20 में दो पिन है ऊपर नीचे, 20 वाला ऊपर नीचे, ये दोनों को यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। ये होगा आउटपुट लाइन, जो कि यहाँ से हमारा सर्किट बोर्ड में जाएगा, यहाँ से आउटपुट होगा, किट में इनपुट होगा। एक ब्लैक वाला को हम ग्राउंड में लगा देते हैं, जो ब्लैक वाला वायर है इसको हम डालेंगे ग्राउंड पे, वाइट वाला डालेंगे नीचे मिडिल के पॉइंट के नीचे, रेड को डालेंगे मिडिल के ऊपर के साइड। इस तरह से अब ये जो दो बचा हुआ है, इसमें जो वॉक्स केबल होता है, जहाँ से मोबाइल से या कंप्यूटर से या टीवी से कनेक्ट होता है, वॉक्स केबल का पीछे की दो वायर, एक लेफ्ट राइट और एक ग्राउंड, तीनों में ऐड होगा। इसका जो ब्लैक है ये ग्राउंड में जाएगा, रेड वाला ये साइड वाला जो खाली पिन, रेड वाला ऊपर, वाइट वाला नीचे। ये वाला जाएगा सर्किट में, जो इनपुट होता है इसके अंदर मैं दिखाऊंगा, और ये जाएगा हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इसमें डाल देंगे फिर
यहाँ पर वो वॉक्स केबल को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए ये जो इधर एक आईसी है, यहाँ से एक नंबर पॉइंट से यहाँ जाके इस तरफ का पहले वाला पॉइंट में, फिर इसका ये दो तीन बीस में दो छोड़ देना, फिर चौथा में इसको कनेक्ट करना है। और एक ग्राउंड इधर से ये वाला साइड में किनारे में, इससे एक ग्राउंड ले लेने से ये हो जाएगा। ये है 2 एम्पियर का 12012, ये रहा, ये सफ़ेद वाला ज़ीरो है, ये 12 है, ये 0 है, 12 है, और ये जो दो अलग से है ये 012। मैंने ऐसा वाला एक ट्रांसफार्मर खरीदा क्योंकि अगर मैं बाद में ब्लूटूथ कनेक्शन ऐड करने से ये वायर काम में आएगा, इसलिए मैं इस वाला ट्रांसफार्मर को ख़रीदा। अब इसको बॉक्स के अंदर सेट करेंगे। अब ये है मेरा जो बड़ा वाला वूफर स्पीकर, उसका कनेक्टिंग करेंगे यहाँ से। ये जो पिन है, दो पिन यहाँ पर, ये हो गया। और ये जो कनेक्शन है रेड वाला को दे दूंगा मैं एक नंबर आईसी की। कोई पर भी इस पिन में जहाँ पर भी सर्किट एक है वही कोई एक पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं हम। दूसरा वाला जो यार है 20 में दो छोड़ के इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर भी सीधा लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, इधर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और जो ब्लैक वाला है ग्राउंड पे कोई पर भी डाल देता हूँ मैं। ये हमारा इनपुट का काम हो गया इधर। अब यहाँ से जो सैटेलाइट स्पीकर है दो छोटा छोटा, यहाँ से कनेक्टिंग उठाना पड़ेगा इधर से। जो हरा वाला है इसको हम 20 में डालेंगे, यहाँ से दो वायर उठा लेते हैं। अब ये जो इसका इनपुट होगा सफ़ेद वाला ऊपर रेड वाला नीचे, यहाँ पर ये जो हरा वाला है इसका जो पीछे का पिन है यहाँ पर जाएगा। और जो रेड और ब्लैक, रेड वाला इस रेड को दे देंगे, ब्लैक वाला सफ़ेद को दे देंगे। ये जो मैंने कनेक्ट किया इसमें से आउटपुट होगा, और इसमें जाएगा इनपुट जो वॉक्स केबल का है, वो जो तीन वायर है ये मैंने बाहर करके रखा था, ये वाला इसको भी हम डाल देते हैं। ये हो गया कनेक्टिंग। अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है, वो है पावर कनेक्शन, यहाँ पर देना पड़ेगा पावर कनेक्शन 12012 12012। अब मैं 12012 का कनेक्शन जोड़ दूंगा किट पे, जो कि ये रहा ये वाला मोटा मोटा पिन, 20 में जाएगा 0। पहले मैं 0 वाला को डाल देता हूँ 20 में, साइड में कोई सा भी 12012 कोई सा भी डाल सकते हैं, क्योंकि एसी पॉइंट है, बोर्ड में जाके वो डीसी बन जाएगा, वो सही कर लेगा। अब यहाँ पर एक एसी कोड लगाना पड़ेगा, जो कि ये वाला एसी कोड। पहले मैं इसको बॉक्स के अंदर, इस किट को यहाँ पर ऊपर कोई सेट कर देंगे। ये कंप्लीट काम हो गया, बॉक्स के अंदर सेट करना है, किट को टाइट करना है, फिर मैं दिखाता हूँ। ये मेरा सेटअप कंप्लीट है, अब इसको चलाएंगे। इसको हम वॉक्स केबल को डाल देते, कनेक्ट करते हैं मोबाइल के साथ।
मैंने लाइन दे दिया है, एसी वोल्टेज दे दिया है इसमें। मैंने एक म्यूजिक प्ले करेंगे, था इसका आवाज़। अब देख सकते हो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है इसलिए उतना बिट नहीं आएगा जितना जो वुडेन का बॉक्स होता, उतना बिट नहीं आएगा क्योंकि इसमें जब बीट मारता है ये झनझनाते हैं, इसमें से जो बीट का जो पिशा रहे हो बाहर निकल जाते हैं, इधर से कॉम आते हैं, इसलिए उतना बिट नहीं आएगा, फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके रखें, क्योंकि मैं इस तरह का अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।